हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नई लेक्चर सीरीज। तो इसमें हम लोग कवर क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक। और ये जो हमारी लेक्चर सीरीज है ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगी, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग जो है एक नई लेक्चर सीरीज जल्दी ही लाएंगे, जिसमें जितने भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के हम सब कवर करेंगे। तो ये किस लिए है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और किस स्टूडेंट्स के लिए, जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सीबीएसई में पढ़ रहे हो आप, क्लास 6 में अभी अभी आए हो, आपको कवर करना है, आप इसको देख सकते हो लेक्चर सीरीज वन बाई वन। आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसकी फाउंडेशन स्पेशली अगर आपकी वीक है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके अलावा क्या, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप में से कोई भी केवीएस की तैयारी कर रहा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, इस वाले पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है। तो डोंट इग्नोर इट, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि आप सीधे सीधे इसको लेक्चर सीरीज देखते चलो, मैं कवर करता चलूंगा, और यू हैव टू डू वन थिंग, आप नोट्स लेके बैठो और धीरे धीरे करके कवर करते चले जाओ, ठीक है। यही अप्रोच आपकी होनी चाहिए। तो नोट्स बैठो नोट्स सॉरी नोट्स लेके बैठो और पेन लेके बैठो, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। अब जो भी टर्म्स आ रहे हैं इम्पोर्टेंट, उनको क्या करोगे, नोट करते चलोगे। इम्पोर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, किसी की डेफिनेशन आ रही है, कोई लोकेशन आ रहा है डिस्कशन में, ठीक है। तो जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उनको नोट करना है, और जो आप क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन एंड आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में डील करेंगे, हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपको कोई दिक्कत की या कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट से फोकस करना है। हमें सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको याद करना है, और जो टर्म्स की मीनिंग्स हैं उनकी भी आपको समझ बनानी है और याद करना है। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, आई विल बी टेलिंग यू वर्ड एंड मीनिंग्स, ठीक है। तो वर्ड्स मीनिंग्स हम बताते चलेंगे, आपको उस पर नोट करते चलना है अपने नोट्स में और याद करने चलता है। और हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड होता है, ओके। तो क्या करना है हमें, क्योंकि कनेक्टेड है, तो अगर आप पहला चैप्टर नहीं समझ पाओगे या उसके टर्म्स को आप याद नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा, आपका जो अगला चैप्टर है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहला लेक्चर पहले बढ़िया से देखना है, फिर अगले लेक्चर पे चलेंगे, पहले लेक्चर को रिवाइज करते हुए चलना है और उसके टर्म्स को याद करते हुए चलना है। तो चलो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे, ये हमारी जो ज्योग्राफी की बुक है, आप सभी जानते होंगे, क्या नाम है इसका, आवर हैबिटेट। देखो क्लास 6 की ये बुक है, राइट। तो इसको हम लोग कवर करेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका इंडेक्स कौन कौन से चैप्टर है, राइट। तो ये देखो, ये हमारा है कंटेंट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर होगा क्या होगा, यही हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो अब देखो इसके बाद क्या है, ग्लोब, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस सब के बारे में, ठीक है। और मेरिडियन क्या होता है, फिर मोशंस ऑफ द अर्थ, रोटेशन रेवोल्यूशन, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे हम लोग, राइट। और फिर मैप्स के बारे में जानेंगे, कितने टाइप्स के मैप्स होते हैं, मेजर डोमेन्स कौन कौन सी हैं, कहाँ पे हैबिटेबल स्पेसेस क्या है, राइट। फिर मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ के बारे में जानकारी लेंगे, दिस आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू कवर। उसके बाद क्या देखेंगे, आवर कंट्री इंडिया के बारे में, जो भी स्टेट्स हैं, कैपिटल्स हैं, टेरिटरीज हैं, उसके बारे में, फिर इंडिया, उसकी क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये टोटल 8 चैप्टर से। अच्छा एक चीज और ध्यान देने योग्य बात क्या है, कि ये एनसीईआरटी का ओल्ड सिलेबस है। आपको याद हो जो कोरोना टाइम था, कोरोना का टाइम पे कुछ चैप्टर्स को कट कर दिया गया था, राइट, सम ऑफ द चैप्टर्स वर डिलीटेड। तो ये जो ओल्ड सिलेबस है उसके हिसाब से हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो है ना यूपीएससी और बहुत सारे एग्जाम्स में ये ओल्ड सिलेबस के हिसाब से भी क्वेश्चन पेपर बनता है। तो जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो सिलेबस है नया वाला उसको देख लीजिएगा, और उसके हिसाब से जो भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला चैप्टर, द सोलर सिस्टम। तो आप सभी को पता ही होगा ना सोलर सिस्टम, सभी को पता लगभग रफली यू नो कि क्या होता है सोलर सिस्टम। तो अभी हम लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते चलेंगे, जो हमारा अप्रोच होगा। देखो हम लोग जो है मल्टीपल
जो कैटेगरीज हैं उनको टारगेट करेंगे। तो सभी के लिए हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, क्लास 6 वाले भी स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग डील करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स आएंगे उनको हम डिफाइन करते चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम, अभी हम बड़े में भी देखेंगे ये कैसे दिखता है और ओवरऑल क्या इसका स्ट्रक्चर है और हमारी जो अर्थ है उसकी लोकेशन यहाँ पे कहाँ है, राइट। तो चलो लेट अस स्टार्ट। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। हाँ जी, ये हो गई मेरी लोकेशन, नाउ यू कैन सी। अब पूरा पीडीएफ आपको सही से दिखेगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, अर्थात पूरे सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ कहाँ पे है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर लाइफ पॉसिबल क्यों हो रही है, ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। तो हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर द सनसेट, वंडरफुल मतलब कितना अद्भुत होता है स्काई को देखना सनसेट सूर्यास्त के बाद। ओके, वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई, ठीक है, एक या दो ब्राइट स्पॉट्स जो चमकीले तारे होते हैं ना, जो बहुत चमकदार तारे होते हैं, तो शुरुआत में वही दिखते हैं। ओके, बाकी चीजें नहीं दिखेंगी, तो वो क्या होगा, एज सच डॉट्स की तरह हमको दिखाई पड़ेंगे। ओके, अब देखो यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, जैसे जैसे रात बढ़ेगी क्या होगा, वो जो चमकीले तारे हैं जो डॉट्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और फाइनली क्या होगा, जब पूरी रात हो जाएगी तो इतने ज्यादा डॉट्स हो जाएंगे, ब्राइट डॉट्स, कि आप उनको गिने नहीं पाओगे, यू कैन नॉट काउंट इट, राइट। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स आर डिम, क्या मतलब हो गया कि पूरी जो स्काई है वो किससे भरी हुई है, ब्राइट, ठीक है, टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से, छोटे छोटे टिमटिमाते चमकते हुए चीजों से पूरी स्काई भरी हुई है, ठीक है। कैसा लगता है, इट सीम्स दैट द स्काई इज स्टडेड, स्टडेड मतलब होता है पिरोना, जैसे होता है ना आप हैंडीक्राफ्ट या किसी कढ़ाई बुनाई करते हो ना, तो स्टडेड मतलब ये होता है जैसे हीरा छोटा छोटा आपके किसी रिंग में डाल दिया जाए तो उस चीज को बोलते हैं स्टडेड, कढ़ाई कर देना या भर देना, पिरो देना, राइट। तो यहाँ पे द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स, ऐसा लगता है कि पूरी स्काई डायमंड से भरी हुई है छोटे छोटे, और वो ट्विंकल करते हैं, ट्विंकल मतलब चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग मतलब टिमटिमाना, एक बार लाइट बढ़ेगी फिर थोड़ा सा डिम होगी, फिर बढ़ेगी फिर थोड़ा सा डिम होगी, इसको क्या बोलते हैं ट्विंकलिंग। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एट अदर्स डू, क्या कह रहा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लगेगा कि कुछ जो है सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू, तो कुछ में से कुछ ट्विंकल नहीं करेंगे बल लेकिन कुछ ट्विंकल करते हैं, तो दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स, क्या मतलब हुआ, कह रहा कि कुछ ब्राइट लाइट्स जो बहुत सारे यहाँ पे टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं तो उनमें से कुछ ट्विंकल करेंगे पर कुछ ट्विंकल नहीं करेंगे, राइट। तो जैसे मून होता है हमारा चंद्रमा, तो जैसे वो बिना टिमटिमा, देखो मून जो है हमारा क्या करता है, ग्लो करता है, हमारा मून क्या करता है, ग्लो करता है, वो ट्विंकल नहीं करता है। ओके, इट डज नॉट ट्विंकल, तो ये चीज याद रखने वाली बात क्या है कि हमारा जो मून है उसमें फ्लिकरिंग नहीं होती, ये क्या लिखा है, ग्लो विदाउट फ्लिकरिंग, तो उसमें से प्रकाश निकलता है पर कोई फ्लिकरिंग मतलब क्या होता है, जैसे मोमबत्ती जलती है ना और हवा चलती है तो क्या होता है उसकी जो रोशनी है लौ जो है लुपलुपाती है, राइट, तो उस लुपलुपाने को क्या बोलते हैं, फ्लिकर करना, लाइट बढ़ जाए फिर कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड फ्लिकरिंग। तो जो कुछ ऐसे तारे होंगे जिनमें फ्लिकरिंग होगी ही नहीं, वो सिर्फ ग्लो करेंगे सिंपल, तो ऐसे तारे जो कि तारे तारे नहीं कह सकते पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो चमक रहे हैं पर उनमें फ्लिकरिंग नहीं हो रही है और वो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, उनको हम स्टार्स नहीं बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जो ट्विंकल करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे, अभी हम लोग इस चीज को आगे देखेंगे। एलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट, आगे देखते हैं हम लोग क्या है, एलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, तो क्या कह रहा है कि इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ, ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स क्या है, तारे भी हो सकते हैं, दिस कुड बी दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स कुड बी स्टार्स, या तो ये तारे हो सकते हैं या तो क्या हो सकते हैं, ये
प्लैनेट्स हो सकते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है कि दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, तो कुछ दिनों पे हमें मून भी दिखेगा, ठीक है। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, जो मून है वो अलग अलग दिन पे अलग अलग टाइम पे दिखेगा, सेम टाइम पे नहीं दिखेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे हमारी पृथ्वी है तो मून भी इसके किनारे चक्कर काटता है, तो मान लो हम यहाँ पे हैं तो मून किसी दिन यहाँ पे रहेगा, ठीक है, मून किसी दिन यहाँ पे रहेगा, तो जब यहाँ पे रहेगा ज्यादा दिखेगा, अगर मून यहाँ पे है तो हम यहाँ पे हैं तो हमें दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप समझो कि क्या होता है, मून जो है हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइज में दिखेगा, कभी दिखेगा कभी नहीं भी दिखेगा। ओके यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम, मतलब एक महीने में फुल मून सिर्फ एक ही बार दिखेगा, ठीक है। इट्स अ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है, पूरा का पूरा चांद आपको दिखाई देगा। यू कैन सी इट एट अ फोर्ट नाइट लेटर, फोर्ट नाइट क्या होता है, 15 दिन या 14 दिन, ठीक है। फोर्ट नाइट यूजली होता है कितना, 14 दिन या 15 दिन, आप इसको कंफर्म कर लेना। तो कह रहा है कि लगभग आधा महीना दिन बाद, 1 मिनट, हाँ तो फोर्टनाइट मेरे ख्याल से 14 दिन होता है, आप इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो फोर्टनाइट इज ऑलमोस्ट 14 डेज, क्योंकि जो मून का पीरियड होता है अर्थ के किनारे चक्कर काटने का, ठीक है। तो इफ दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून, से किनारे किनारे से जैसे चक्कर काटता है, राइट, तो लगभग ये 28 दिन में पूरा काटता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हैं लगभग, तो ये हमें 14 दिन के लिए दिखेगा और 14 दिन के लिए फिर गायब हो जाएगा। इस तरह से इसकी साइकिल चलती है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। तभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 14 दिन का पीरियड है इसका, ठीक है। फोर्ट नाइट मतलब 14 दिन। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम, एक महीने में एक बार दिखेगा। फुल नाइट, जो फुल मून जिस दिन दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। अ फोर्ट नाइट लेटर मतलब 14 दिन बाद क्या होगा, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, मतलब एकदम भी नहीं दिखेगा, गायब हो जाएगा, 14 दिन बाद एकदम से गायब हो जाएगा, ठीक है। और उस नाइट को जब वो एकदम गायब रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। ओके ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट, क्या मतलब है, जिस दिन अमावस रहेगा या अमावस्या रहेगा उस दिन आकाश में एकदम लाइट नहीं रहेगी, और जब लाइट नहीं रहेगी तो क्या होगा, जो तारे हैं जब वो टिमटिमाएंगे तो बहुत ही क्लियर दिखेंगे, समझ गए। जब तारे टिमटिमाएंगे किस दिन, अमावस के दिन, क्या लिखा हुआ है फिर से ध्यान देख लो, 1 मिनट, देखो ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट बेस्ट, इसको याद कर लो, ठीक है। अमावस के दिन क्या होगा, आपको एकदम क्लियरली दिखाई पड़ेगा स्काई, मतलब जो भी तारे हैं उसके अंदर में वो टिमटिमाते हुए बहुत ही साफ साफ दिखेंगे, प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट। क्लियर नाइट मतलब कोहरा ना हो, बादल ना हो, अगर बादल नहीं होंगे तब तो दिखेगी, अगर बादल होंगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। क्लियर नाइट मतलब क्या है कि क्लाउड ना हो, ओके। क्लियर नाइट मतलब क्या होगा, क्लाउड ना हो, दूसरा क्या होगा, फॉग ना हो, कोहरा भी पड़ सकता है ना, तो अगर कोहरा पड़ेगा तब भी नहीं दिखेगा, क्लाउड रहेगा तब भी नहीं दिखेगा, अगर धुआं है स्मोक, ठीक है, दैट इज स्मोक, अगर आप जैसे दिल्ली में हो या किसी बड़ी सिटी में हो जहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तब भी आपको जो स्काई है वो क्लियरली नहीं दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग, अगला पैरा देखते हैं। डू यू वंडर व्हाई कांट यू सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्वेश्चन क्या है, वंडर आप क्यों, आपको इसकी, वंडर मतलब क्या होता है, चिंता करना या विचार करना। तो मून जो है और दूसरे जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जो स्काई में चमचमा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, तो वो दिन में क्यों नहीं दिखते हैं जब सन रहता है, इसका रीजन क्या है कि जो सन का प्रकाश होता है, सन की जो लाइट होती है इतनी तेज होती है कि उसके सामने इनकी लाइट दिखाई ही नहीं पड़ती है, ठीक है। इट इज बिकॉज वेरी ब्राइट लाइट ऑफ सन, जो सन की लाइट है वो क्या है, बहुत ज्यादा ब्राइट है, और जब कोई बहुत ब्राइट लाइट होगा तो जो छोटे छोटे टिमटिमाने वाले बेचारे हैं वो दिखेंगे नहीं, ऐसे समझ लो जैसे आपके
आप कोई बल्ब लेके जाओ और धूप में ले जाके उसको जला दो, ठीक है, तो क्या आपको पता चलेगा कि वो जल रहा है कि नहीं? और दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप, जैसे आपके पास घर में स्मार्टफोन होगा ना, तो स्मार्टफोन को जब अंधेरे अपने रूम में देखोगे तो उसकी जो डिस्प्ले होता है तो बहुत ब्राइट दिखेगा, ठीक है। जब आप लाइट रूम में बंद कर दोगे और उसका डिस्प्ले देखोगे मोबाइल का, बहुत ब्राइट दिखेगा। लेकिन उसी स्मार्टफोन को आप क्या करो, धूप में लेके जाके चलाओ। जब उस स्मार्टफोन को आप धूप में ले जाके चलाओगे तो क्या होगा, उसकी स्क्रीन बहुत डल दिखेगी, आपको क्या लिखा है उस पे स्क्रीन पे दिखेगा ही नहीं। तो सेम चीज क्या होती है, तारों के साथ होती है। तो चूंकि सन की जो लाइट है उतनी तेज है और जो स्टार्स होते हैं उनकी लाइट इतनी कम होती है, और मून की लाइट भी क्या होती है, बहुत कम होती है, और मून तो क्या करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि मून की लाइट और तारों की लाइट जो है दिन में दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है, समझ गए। तो सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। तो इस वाले क्वेश्चन का यही आंसर दिया। अगला देखो, द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। अब इस टर्म को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज किसको बोलते हैं, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। तो द सन द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स जो भी शाइन करते हैं नाइट स्काई में, इन सभी क्या बोलते हैं, हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, इसको हमें याद कर ले। आगे चलो देखते हैं हम लोग, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। बहुत सिंपल बात है, क्या कह रहा है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज वो क्या है, बहुत ही बड़ी हैं, वेरी बिग एंड हॉट हैं। ओके, वेरी बिग बहुत बड़ी, एंड हॉट मतलब बहुत गर्म। ओके, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, किससे बनी है वो, गैस से बनी है। दे हैव देयर ओन हीट, वो अपनी, उनके पास खुद की हीट है, ठीक है। तो जैसे गैस जलाते हो आप तो गैस के पास अपनी खुद की हीट होती है, तो वैसे ही इन स्टार्स के अंदर क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। और ये गैस क्या होता है, ये जलती है, गैस अंदर में रिएक्शन होते हैं, और रिएक्शन होने की वजह से गैस जलती है, ये गर्म हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, हीट एंड लाइट दोनों ही निकलता है किसके अंदर से, इन बॉडीज के अंदर से, ठीक है। याद रहेगा आपको, जैसे आप गैस जलाते हो ना, लाइटर जलाते हो, गैस जलाते हो तो उसमें से लाइट और हीट दोनों निकलती है, वैसे ही इन स्टार्स के अंदर क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, और उससे रिएक्शन होता है। रिएक्शन रिएक्शन जब होगा तो क्या होगा, वो जलेगा, उससे क्या निकलेगा, हीट निकलेगा और लाइट निकलेगा, इन दोनों चीज निकलती है उससे। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग, दे हैव देयर ओन हीट एमिट, ये तो हमने कवर कर लिया। दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। तो क्वेश्चन क्या है, स्टार्स किसको बोलते हैं, स्टार्स उन सेलेस्टियल बॉडीज को बोलते हैं जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट हो। बहुत सिंपल आंसर हो गया क्या, कि स्टार्स किसको बोलते हैं, ऐसी बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास अपनी हीट हो और अपनी लाइट हो, उनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड स्टार्स, ठीक है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, इतना आपको याद करके रखना है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन व्हाट इज अ स्टार, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। क्या कह रहा है कि जो सन है वो हमारा स्टार है, और जो ट्विंकलिंग स्टार्स देखते हैं रात में वो भी क्या है, सन ही है, राइट, वो भी क्या है, सन है। पर वो छोटे क्यों दिख रहे हैं इतने, फिर क्वेश्चन बनता है ना कि अगर वो भी सन है जो ट्विंकलिंग कर रहे हैं छोटे छोटे एकदम, अगर वो भी सन है तो वो जितने छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है हमसे, जितना सन है उससे मिलियंस टाइम्स दूर है वो, तो चूंकि बहुत ज्यादा दूर चले जा रहे हैं तो वो छोटे हो जाते हैं। तो देखा होगा आपने, जैसे बाइक पे कोई बैठा है, जैसे जैसे दूर चला जाता है तो बाइक छोटी दिखनी शुरू हो जाती है, सेम वे हमारा जो स्टार है वो क्या है, हमसे बहुत दूर है, लेकिन जो जो सन है हमारा वो थोड़ा सा करीब है, लेकिन जो बाकी स्टार्स हैं जो बहुत छोटे छोटे ट्विंकल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा दूर हैं, ठीक है। तो दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई द स्टार्स लुक स्मॉल, आंसर क्या होगा, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे, ठीक है। चलो अगला पेज देखते हैं हम लोग,
अगला पेज पे क्या है, ये देखो ये क्या है, लड़की देख रही है, इमेज देख रही है आपको, ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, ये जो है नॉर्थ स्टार को देख रही है। अभी हम लोग जानेंगे क्या होता है नॉर्थ स्टार, ठीक है, और ईस्ट और वेस्ट क्या होता है। तो चलो अगला देखते हैं हम लोग, क्या है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन द सीन फ्रॉम द डिस्टेंस। सेम चीज, जब आप दूर से देखते हो किसी ऑब्जेक्ट को, ज्यादा दूर से, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, छोटा दिखने लगता है, ठीक है। तो जैसे कि एरोप्लेन जब हमारे पास रहता है तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जब वो दूर चला जाता है, जितना ऊपर जाता है, तो एरोप्लेन क्या होता है, छोटा दिखने लगता है। तो क्या है, हमारे स्टार्स के साथ भी है। व्हाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फाउंड बाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। क्या मतलब हुआ, जब आप रात में तारों को देखते हो तो कई जगह क्या होता है, छोटा छोटा पैटर्न दिखता है, ठीक है। पैटर्न मतलब कोई ऐसे, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे चम्मच की जैसे, ये देखो चम्मच दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो इसको ध्यान से, ये देखो चम्मच जैसा बन रहा है ना ये तो इस तरह का, इसको क्या बोलते हैं, पैटर्न, किसी ऑब्जेक्ट के तरह दिखना, किसी वस्तु की तरह दिखना, तो कोई सर्कल की तरह दिखना, चम्मच की तरह दिख जाना, इसको क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। ओके, तो क्या बोल रहा है कि अगर आप रात में देखोगे और अगर आपको क्या दिखे, कोई पैटर्न सा दिखे, वेरियस पैटर्न, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। अब इस टर्म को आपको रट्टा मार लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग अ पैटर्न, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग अ पैटर्न, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्स्टिलेशन बोलेंगे। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, उर्सा मेजर, ठीक है, या बिग बियर, ठीक है। उर्सा मेजर को हम क्या बोलते हैं, बिग बियर भी बोलते हैं। दिस यू हैव टू रिमेम्बर, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 6 के टेस्ट में भी पूछा जाता है और एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। तो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जिसका एक पैटर्न हो, ऐसे रैंडम ग्रुप ऑफ स्टार्स नहीं, मतलब एक पैटर्न बनना चाहिए और एक ग्रुप भी रहे स्टार्स का, तब उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन। तो उर्सा मेजर है, ठीक है, या बिग बियर, वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब ऋषि होता सेज, तो सप्त मतलब सात, ठीक है। तो देखो ये वाला जो है ना, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सप्तऋषि बोलते हैं इसको, ठीक है। सप्तऋषि क्या है, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिलेशन, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। तो ये उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का ही क्या है, दूसरा नाम है। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग, सप्तऋषि हो गया है। आस्क समवन इन योर एल्डर फैमिली और नेबरहुड, आप क्या कर सकते हो, अपने माँ बाप से किसी से पूछ लो कि हमारा ये सप्तऋषि कहाँ पे होता है, रात में जाके आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो रात में निकलना और लोकेट करना इसको कि एक्चुअली है कहाँ पे उर्सा मेजर, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, रात में जाना स्काई में और खोजना कि उर्सा मेजर या सप्तऋषि कहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो इसको लोकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पोल स्टार। अब देखो पोल स्टार क्या होता है, नॉर्थ पोल के ऊपर होता है। तो एंशियंट टाइम्स में क्या होता है, अभी चलो हम लोग इसको देखेंगे। तो एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स। क्या मतलब हुआ कि जब पहले हमारे पास कंपास नहीं था, या हमारे पास, अभी तो क्या है, हमारे पास गूगल मैप्स होता है और गूगल मैप्स देख के हम इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन पहले टाइम पे क्या था, जब ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस समय क्या होता, हमारे जो पूर्वज थे एंशियंट टाइम्स, पुराने टाइम पे, वो तो लोग क्या करते थे, स्टार्स को देख करके डायरेक्शन पता करते थे, ठीक है, कि डायरेक्शन क्या क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमारे डायरेक्शंस हैं। पहले के लोग क्या करते थे, तारों को देख करके अपने डायरेक्शन निकाल लेते थे। कैसे निकालते थे, तो देखो यहाँ पे इस फोटो को फिर से देखो ध्यान से, देखो तो ये लड़की क्या है, देख रही है ऊपर, देखो नॉर्थ, यहाँ ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ तो ये देखो ये क्या है, नॉर्थ स्टार, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं। तो ये सप्तऋषि है हमारा, सप्तऋषि का जो ये लास्ट वाला चमचा है, चमचे का जो ये हिस्सा है, तो यहाँ से जब आप देखोगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल दिखेगा, और जिधर नॉर्थ पोल दिखेगा वही नॉर्थ होगा, ठीक है। नॉर्थ मतलब क्या हो गया हिंदी में, उत्तर दिशा, ठीक है। तो जब आपको उत्तर दिशा पता चल गई, तो फिर बाकी दिशाएं आप निकाल सकते हो इजिली, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, दिशा का ज्ञान पता कर लेते थे।
ओके तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब चलो पोल स्टार के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, हमने बता दिया आपको, लेट्स सी लाइन बाय लाइन देख लेते हैं हम लोग। तो देखो द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, मैंने बताया आपको कि जो नॉर्थ स्टार है वो क्या है, हमारे उत्तर दिशा को, नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तर, नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसी नॉर्थ स्टार को क्या बोलते हैं, हम पोल स्टार भी बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्थ पोल के ऊपर रहता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, सेम पोजिशन पे क्यों रहता है, हम आगे समझेंगे, जब हम लोग ग्लोब पढ़ेंगे तब हम इसको बताएंगे कि नॉर्थ पोल, नॉर्थ स्टार या पोल स्टार एक ही जगह पे क्यों रहता है, ये चेंज क्यों नहीं होता अपने पोजिशन से, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। हाँ तो देखो, हाँ अगला है, तो 1 मिनट, हाँ चलो। अब देखो वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, मैंने बताया ना अभी, जो चम्मच होता है उसका जो एंड होता है यहाँ से, ये इस तरह से जाएंगे उधर, तो हमें मिल जाएगा क्या, पोल स्टार। लुक एट द फिगर, फिगर हमने देख लिया है सब चीजें, आगे चलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, अच्छा अभी हमने देखा था स्टार के पास क्या होता है, स्टार के पास अपनी खुद की क्या होती है, हीट होती है और अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है। अब हम लोग क्या यहाँ पे क्या बता रहा है कि कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, जो रात में देखी जा सकती हैं। अब इनके पास क्या है, नॉट, दे डू नॉट, इनके पास अपनी खुद की क्या होती है, हीट नहीं होती ना अपनी खुद की लाइट होती है, इंपॉर्टेंट बात, ना खुद की हीट होगी ना खुद की लाइट होगी। दे आर लिट बाई द गैस ऑफ द, सॉरी, दे आर लिट बाई द लाइट ऑफ द स्टार्स, तो ये चमकते क्यों है, लिट मतलब चमकना यहाँ पे, ठीक है, लिट मतलब क्या है, चमकना या जलना, तो ये जो है ये चमक क्यों रहे हैं या जल क्यों रहे हैं, ये जो स्टार्स हैं उनकी लाइट इन पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, समझ गए, ऐसी बॉडीज जिनके पास अपनी हीट नहीं है, लाइट नहीं है, पर वो क्या कर रहे हैं, दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वेंडरर्स, वेंडर मतलब क्या होता है, घूमने वाला, वेंडर मतलब क्या होता है, घूमना इधर उधर, भागना घूमना, जैसे होता नहीं लफंडर लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वही मतलब होता है वेंडर, मतलब जो इधर उधर से ट्रेवल करता रहे हमेशा। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, तो हम जिस पे रहते हैं वो क्या है, वो प्लैनेट है, हमारा अर्थ जो है वो क्या है, स्टार नहीं है बल्कि क्या है, इट इज अ प्लैनेट, द वर्ल्ड प्लैनेट, ये तो देख लिया वेंडर। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, कहाँ से मिलता है हमें, हमें क्या बोल रहा है, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, हमें जो भी हीट मिलती है, लाइट मिलती है, सन से मिलती है। विच इज ऑफ द नियरेस्ट स्टार, इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपियर शाइनिंग जस्ट एज द मून, क्या बोल रहा है कि अगर हम अपने अर्थ को कहाँ से देखें, बहुत दूर से जाके देखें, ठीक है, तो हमें क्या लगेगा कि जैसे मून चमकता है वैसे हमारी अर्थ भी चमकती है, ठीक है। तो देखो मून के पास भी अपनी लाइट नहीं है, ना ही उसके पास अपने हीट है, ठीक है। मून क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ये चीज याद कर लो, मून क्या करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मून के पास अपनी लाइट नहीं है, उसी तरह अर्थ के पास भी अपनी लाइट नहीं, वो क्या करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, चलो तो आगे देखते हैं हम लोग, ये पैराग्राफ खत्म हो चुका था। चलो द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, देखो नया टर्म आ गया, कौन सा टर्म आ गया, सैटेलाइट, अब इसको भी आपको याद करना है, व्हाट इज अ सैटेलाइट, इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, और ये छोटे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि सैटेलाइट क्या होती है, तो मून क्या हमारा, सैटेलाइट है, स्पेलिंग भी याद करना है, SATELLIT, इट इज अ कंपेनियन ऑफ ऑफ अर्थ, कंपेनियन मतलब क्या होता है, साथी, कंपेनियन क्या होता है, साथी या जोड़ीदार, ठीक है, साथी या जोड़ीदार, कंपेनियन जो आपके साथ रहे हमेशा,
तो मून क्या है? सैटेलाइट है, उसका कंपेनियन किसका है? मून जो है अर्थ का कंपेनियन है। कंपेनियन क्यों है? क्योंकि ये अर्थ है और ये हमारा मून है, ठीक है। तो मून क्या करता है? इसके किनारे किनारे चक्कर काटता है, अर्थ के किनारे, ठीक है। दिस इज आवर अर्थ, तो इसीलिए क्या है, हमेशा कभी साथ नहीं छोड़ता, अर्थ के किनारे ही चक्कर काटता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? कंपेनियन बोलते हैं। ओके, देयर आर सेवन अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो अर्थ के अलावा कितने और प्लैनेट्स हैं? सेवन और। तो अर्थ है प्लस सेवन और, टोटल कितने हो गए? एट प्लैनेट्स। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने हो गए प्लैनेट्स? एट। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। तो कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जिनके पास अपना मून भी है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं अपने किस तरह सोलर सिस्टम पढ़ेंगे अब हम लोग। ओके, तो चलो द सोलर सिस्टम। अच्छा देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या दिया हुआ है, चलो इसको हम लोग आगे देखेंगे। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास क्या है? रिंग है। अभी हम आगे देखेंगे इसको, रिंग क्या होता है, चलो आपको बता के दिखाता हूं मैं। सपोज करो कि ये जैसे है जुपिटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके पास एक ऐसे रिंग होती है, जैसे हम लोग पहनते हैं अपने हाथ में ये, तो इनके पास क्या होता है, ऐसे रिंग स्ट्रक्चर है। किसके किसके पास? जुपिटर के पास, सैटर्न के पास और यूरेनस के पास। ऐसे तीन प्लैनेट्स हैं जिनके पास क्या है, ऐसे रिंग बनी होती है, ठीक है। और ये रिंग किनारे किनारे चक्कर काटती है ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे ऐसे चक्कर काटती है रिंग। ये किससे मिलके बनी है? गैस से बनी है और डस्ट से बनी हुई है, ठीक है। डेब्री, डेब्री मतलब क्या होता है? कूड़ा करकट। डेब्री इज काइंड ऑफ डस्ट, ठीक है, कचड़ा, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग डेब्रीज। चलो आगे मूव करते हैं। द सन, द एट प्लैनेट्स, द सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। अब यहाँ पे हम लोग इसकी डेफिनेशन हमें याद करनी है, एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे डिफाइन करने के लिए। तो क्या करना है, इनको याद करना है, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, सेटेलाइट्स, ये सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ओके चलो अब हम लोग मूव करेंगे अगले पन्ने पे। तो ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, अपनी किताब में देख लेना, इसमें पूरा आपको दिखेगा नहीं एक बार में पूरा पूरा मैप। तो ये हमारा क्या है, दिस इज और नेपच्यून, ठीक है, यूरेनस, सैटर्न, और फिर नीचे चलेंगे हमें क्या मिलेगा, ये है एस्टेरॉइड बेल्ट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, जो हमारा मार्स है, ठीक है, कौन सा? मार्स, मंगल ग्रह जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये हमारा मार्स और ये हमारा जुपिटर, ठीक है। जो प्लैनेट अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। तो मार्स और प्लैनेट सॉरी जुपिटर के बीच में क्या है, एक एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। याद क्या रखना है, किसके बीच में पाई जाती है? जुपिटर और मार्स के बीच में। एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होती है? वही, इसमें क्या है, डेब्रिस, इसमें कूड़ा करकट भरा हुआ, डस्ट पार्टिकल्स भरे हुए हैं, गैस भरा हुआ है। तो ये क्या करता है, यहीं पे बीच में रहता है ऐसे एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। तो छोटे छोटे ऐसे इसमें पत्थर ऐसे पड़े रहते हैं या प्लैनेट्स के टुकड़े पड़े रहते हैं इसमें, जो किनारे किनारे चक्कर काटते रहते हैं ऐसे ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। पूछा जाएगा लोकेशन कहाँ है, तो जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में। अब यहाँ पे एक चीज और हमें समझना है, ओ आर बी आई टी, ऑर्बिट, ठीक है। तो ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट क्या है, रास्ता है। ऑर्बिट क्या है, रास्ता है, किसका रास्ता है? प्लैनेट का। तो प्लैनेट जिस रास्ते से होके गुजरता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। तो जैसे जुपिटर है ना, ये ऐसे चल रहा है ना, कि जुपिटर का रास्ता हुआ ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये जुपिटर की ऑर्बिट हो गई, जिसमें और ये होके गुजरता है। वैसे ही मार्स की ऑर्बिट क्या होगी, ये वाली है, ठीक है। हमारे अर्थ की ऑर्बिट क्या है, ये वाली है। ओके, तो ऑर्बिट सिंपली मतलब क्या होता है, ऑर्बिट मतलब रास्ता, वो रास्ता या पथ जिसपे कोई भी प्लैनेट चलता है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। अब ये आप अपने किताब में खोलना और इसके बारे में जो डिटेल्स देनी है उसको पढ़ लेना, ये चार्ट दिया हुआ है नीचे, ठीक है, दिख रहा है ना। सो क्या करना है, आपको पढ़ लेना है, सबके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है।
ओके, एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाएगा आपसे, पर पढ़ लेना फिर भी। चलो आगे देखते हैं। वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली, जो भी सोलर सिस्टम के पार्ट में आते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, सोलर फैमिली बोलते हैं। ठीक है, लेट अस सी स्टार, नहीं सन देखते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग सोलर सिस्टम के बेसिक्स हम लोगों ने देख लिया, तो सन क्या होता है, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका जो सेंटर है, हमने फिगर में देखा था ना, पुराना फिगर देख फिर से एक बार देख लो। देखो जो ये हमारा फिगर दिख रहा है, यहाँ पे सन दिख रहा है, कैन सी इट, ये क्या है हमारा सेंटर है सन, और जो भी प्लैनेट्स हैं वो क्या है, इस किनारे किनारे चक्कर काटते हैं सन। ठीक है, और इसी जो पाथ है इसमें वो चक्कर काटते हैं, जो रास्ता है उसे क्या हम बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। तो इतना तो आप समझ ही गए थे। अब चलो देखते हैं सन के बारे में देखते हैं और प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस। इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से देखो। सन क्या है, सोलर सिस्टम का क्या है, सेंटर है। ठीक है, इट इज अ ह्यूज, बहुत बड़ा है ये, एंड इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, हॉट मतलब गर्म। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, पुलिंग फोर्स मतलब खींचना। तो ये जो है हमारा सन और इसके किनारे किनारे क्या है, हमारे प्लैनेट्स। तो सपोज करो ये क्या है, ये हमारे प्लैनेट्स हैं, तो सन क्या करता है, इनको खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, इन सभी को मान लो यहाँ पे है, तो सन क्या करता है, पुल करता है। पुल मतलब क्या होता है, खींचना। तो जिनको नहीं पता इस वर्ड का मतलब वो याद कर लो, खींचना। तो सन क्या करता है, वो पुलिंग फोर्स देता है, फोर्स मतलब भी क्या होता है, ताकत। तो जो खींचने का काम करता है वो सन करता है, और बाइंड मतलब ये सभी प्लैनेट्स को बांध के रखता है। क्या करके रखता है, बांध के रखता है एक साथ। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, तो पूरे सोलर सिस्टम में सन ही क्या है, अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का। ठीक है, ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज्यादा, ट्रिमेंडस मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज नॉट फेल्ट सो मच, तो जो अमाउंट ऑफ हीट है बहुत ज्यादा, पर इतना हमें पता क्यों नहीं चलता है, क्योंकि जो हमारा सन है वो क्या है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। कितना, मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन किलोमीटर में 10 लाख किलोमीटर होता है। ठीक है, और 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, इसीलिए क्या करता है, उसकी जो हीट है हम तक पूरी पूरी नहीं पहुंचाती, फिर भी इतनी तो पहुंचती है कि गर्मी के दिनों में हमें पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब अगला देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा अगला टॉपिक, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स हमने छोटा मोटा डिस्कशन तो कर ही लिया इसके बारे में, चलो डिटेल में देख लेते हैं। कितने प्लैनेट हैं टोटल, 8 प्लैनेट हैं। इनकी सीक्वेंस क्या है, एम से स्टार्ट होता है, और उसके लिए क्या है, एक कोड है, उसको याद कर लो, क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। एफिशिएंट, मेरी बहुत ज्यादा एफिशिएंट मम्मी ने हमें क्या अभी सर्व किया है, जस्ट सर्व मतलब खाना, जब परोसना, सर्व मतलब क्या होता है, परोसना, जैसे खाना परोसते हैं ना, तो उसको बोलते हैं सर्व करना। नट्स मतलब क्या होता है, मूंगफली, मूंगफली या कोई भी दाने, मतलब उस तरह मूंगफली टाइप की कोई चीज है, तो उसको हम नट्स बोल सकते हैं, जैसे पिस्ता होता है, बादाम होता है, ठीक है, मूंगफली होती है, तो इन सभी को हम नट्स बोलते हैं। तो इस कोड को आप याद कर लो और रिमेम्बर करो, क्या, एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ठीक है, अब चलो आगे देख लेते हैं हम, क्या है, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। तो हमने बताया था कैसे, ये हमारा सन है, इसके किनारे किनारे घूमते हैं ऐसे ऐसे, और इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड पाथ होता है जिसमें घूमते हैं प्लैनेट्स, उनको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट बोल देते हैं। तो मरकरी सबसे हमारे पास में है, और जो कि सबसे पास में है तो सबसे जल्दी चक्कर काट लेता है। ठीक है, तो जैसे सन है, ये हम मरकरी, और जुपिटर इतना लंबा रास्ता तय करेगा, तो जितना ज्यादा लंबा रास्ता तय करेगा उतना टाइम लगाएगा। तो चूंकि मरकरी यहीं पे है एकदम पास में सन के, तो ये जल्दी पार कर लेता है।
तो मरकरी सबसे पास में है और सबसे कम टाइम लेता है रेवोल्यूशन करने में। चलो रेवोल्यूशन भी देख लो क्या होता है रेवोल्यूशन। तो ये जैसे हमारा सन है, ठीक है, तो जब अर्थ इसके किनारे चक्कर काटेगी तो क्या बोलते हैं हम, रेवोल्यूशन। इसको याद कर लो, अभी आगे काम आएगा ये, ठीक है। तो सन के किनारे चक्कर काटने को क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन, ठीक है, याद रहेगा। तो 88 डेज में क्या करता है, हमारा मरकरी जो है रेवोल्यूशन पूरा कर लेता है, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग वीनस के ऊपर। वीनस को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थ ट्विन, मतलब पृथ्वी का जुड़वा। ट्विन मतलब क्या होता है, जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा। क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप और साइज है, शेप और साइज कैसी है, बिल्कुल पृथ्वी के जैसे ही है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा, ठीक है। आगे देखते हो, चलो अगला पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। हाँ देखो क्या कहा जा रहा है अगले पैराग्राफ में, कि अप टू 2006, 2006 तक हमारे पास कितने प्लेनेट थे, टोटल 9 प्लेनेट्स थे, ठीक है। अभी कितने हैं, 8 हैं। तो प्लूटो क्या था, अप टू 2006, 2006 तक प्लूटो को भी प्लैनेट माना जाता था, ठीक है। फिर 2006 में क्या हुआ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये क्या है, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स रहते हैं जो लोग स्पेस पे रिसर्च करते हैं। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि जो कि प्लूटो प्लूटो ज्यादा छोटा है, और ये जो स्टैंडर्ड होता है जो कैटेगराइजेशन का, तो वो मानक जो है ये पूरा नहीं कर पा रहा, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया कि ये जो है डॉर्फ प्लैनेट है। डॉर्फ मतलब क्या होता है, छोटा या नाटा। डॉर्फ किसको बोलते हैं, छोटा या नाटा, ठीक है। तो इसको हम लोग डॉर्फ प्लैनेट बोल दिए। तो अगर पूछा कोई, अगर आपसे पूछे कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, तो आप क्या बोलोगे, 8 प्लैनेट। अगर ये कोई पूछे कि 2006 तक कितने प्लैनेट थे, तो ईयर 2006 तक हमारे पास 9 प्लैनेट्स थे, जो उस समय प्लूटो भी एक प्लैनेट था, ठीक है। तो प्लूटो क्या है, ये भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, जस्ट लाइक सीरियस, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं अपने अर्थ के ऊपर, ठीक है, आ जाओ। अब देखो हमारे अर्थ को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एक ब्लू प्लैनेट है। ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे वाटर पाया जाता है, और जब हम दूर से देखते हैं, ऊपर से देखेंगे प्लेन से या और ऊपर जाएंगे स्पेस से देखेंगे, तो इसका जो कलर है वो ब्लू दिखता है, ठीक है। तो अगर पूछें कि ब्लू क्यों दिखता है, तो ये पानी की वजह से ब्लू दिखता है, ठीक है। तो ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, ठीक है, और साइज के हिसाब से ये फिफ्थ लार्जेस्ट है, ठीक है। दूरी के हिसाब से क्या है, थर्ड है, और साइज के हिसाब से फिफ्थ लार्जेस्ट है, ठीक है। स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, फ्लैटेंड मतलब चिपटा हुआ, ठीक है, जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज नहीं, क्या, कद्दू, ठीक है, पंपकिन। जो कद्दू होता है वो कैसे होता है, अगर आपने देखा होगा तो कद्दू थोड़ा इस तरीके से होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, पिचका रहता है ये, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी जो अर्थ है वो पूरी परफेक्ट स्फीयर नहीं है, वो क्या है, थोड़ा इस तरीके से, मतलब ऐसे है। तो ये हमारा क्या है, पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, और यहाँ पे जहाँ पोल है वहां पे क्या है, ये चिपटा हुआ है या पिचका हुआ है। तो इसे क्या बोलते हैं, फ्लैट एंड, फ्लैट मतलब थोड़ा सा दबा हुआ सा, ठीक है। और इस शेप क्या बोलते हैं, हमारे अर्थ के शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, जियोइड, ठीक है, GEO, GOID, जियोइड। जियोइड मतलब क्या होता है, कि अर्थ लाइक शेप, मतलब इसका शेप जो है यूनिक है, और हम क्या बोलते हैं इसको, जियोइड। तो अगर आप एग्जाम में पूछा जाए जियोइड क्या है, तो क्या बोलोगे, जो अर्थ का शेप है उसी को हम जियोइड बोलते हैं। और ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो उसके पोल्स पे वो पिचका हुआ है या थोड़ा सा दबा हुआ सा है, ठीक है, फ्लैट है। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग, लास्ट पेज हमारा जो आने वाला है। और अर्थ पे लाइफ पाई जाती है, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ पाई जाती है। ऐसा क्यों पॉसिबल है, लाइफ क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर और एयर मिलता है जो कि किसी और प्लैनेट पे नहीं है, ठीक
अभी खोज चल रही है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि मंगल ग्रह पे, ठीक है, पानी की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। मार्स, मंगल मीन्स मार्स, मार्स ग्रह पे बताया जा रहा है कि पानी हो सकता है, और मून जो है उस पर भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि पानी होगा या आइस के फॉर्म्स में होगा, या पता चल रहा है कि पहले था अभी सूख गया है। ठीक है, तो क्या चाहिए? टेम्परेचर, पहली चीज जो तापमान है वो सही होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत ज्यादा कम। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ रूम टेम्परेचर 25-26 डिग्री माना जाता है। ठीक है, और पानी चाहिए, हवा चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लाइफ के लिए। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी को क्या बोलते हैं? यूनिक, क्योंकि यहीं पे एक ऐसा प्लेनेट है हमारा अर्थ जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, बाकी किसी जगह पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में हो सकता है, यूनिवर्स में कोई ऐसा सोलर सिस्टम हो जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, लेकिन हमें उसके बारे में अभी पता नहीं है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। फ्रॉम आउटर स्पेस, जब आउटर स्पेस मतलब जब आप बहुत दूर चले जाओगे पृथ्वी से, उसको क्या बोलते हैं हम? आउटर स्पेस। वहां से धरती कैसी दिखती है? ब्लू दिखती है। क्यों? क्योंकि हमारा 2/3 हिस्सा, 2/3, ठीक है, मतलब अबाउट 66% ऑफ द अर्थ किससे कवर है? पानी से भरा है। हमारा लगभग 2/3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, हमारा कवर्ड है, इसलिए कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है, नीले रंग का। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, आ जाते हैं मून पे, अपने लास्ट टॉपिक पे। नहीं, लास्ट नहीं है, अभी और भी है, मेट्रॉइड्स और वो भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलो, मून क्या है? अर्थ का ये सैटेलाइट है। ठीक है, सैटेलाइट क्या होता है? जो हमारे, जो किसी भी प्लैनेट के किनारे घूमेगा, तो अगर हमारा अर्थ है उसके किनारे मून चक्कर काट रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? प्लैनेट। इसी तरह जैसे मान लो जुपिटर है, जुपिटर क्या है? प्लैनेट है। अगर इसके किनारे कोई चक्कर काट रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? सैटेलाइट बोलेंगे। ठीक है, तो आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मून बोलते हैं। इसका डायमीटर क्या है? मून का डायमीटर लगभग अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, 25%। ठीक है, अगला देखो, इट अपीयर सो बिग, तो हमें मून बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे पास में है, इसलिए ज्यादा बड़ा दिखता है। ठीक है, कितनी दूरी पे है? 3,84,000 किलोमीटर दूरी पे है द मून। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मून मूव्स अराउंड द सन इन अबाउट 27 दिन। कितने दिन में चक्कर काटता है? 27 दिन में धरती का चक्कर काट लेता है। तो ठीक है, रेवोल्यूशन अगर पूछा जाए कि मून जो है अर्थ का रेवोल्यूशन कितने दिन में करता है? 27 दिन में। लेकिन मून अपने खुद भी घूमता है। ठीक है, तो देखो आपको पता होगा ना कि हमारी जो धरती है वो ऐसे ऐसे चक्कर काटती है, किस पे? अपने धुरी पे। ठीक है, तो धरती हमारी ऐसे चक्कर काटती है, तो मून भी जो है वो भी क्या करता है? चक्कर काटता है ऐसे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि मून जो है मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 दिन, लेकिन उतने ही दिन में सेम टाइम में वो अपनी एक स्पिन भी करता है। स्पिन मतलब जैसे गेंद को आप अब देखोगे ना, मैच देखते हो तो ऐसे स्पिन करते हैं ना बॉल को, स्पिनर। आप कभी गेंद लेके ऐसे घुमाना, ऐसे खूब तेजी से, इसको क्या बोलेंगे? स्पिन करना। ठीक है, तो जो मून है वो अपना ऐसे घूमता है। ठीक है, तो वो 27 घंटे में घूमता है, सॉरी 27 दिन में घूमता है, और अर्थ के किनारे भी वो चक्कर मून कितने दिन में लगाता है? ये भी 27 दिन में ही लगाता है। इस वजह से क्या होता है कि हमको हमेशा एक ही साइड दिखती है मून की, हम दूसरी साइड नहीं देख पाते मून की। ठीक है, ओनली वन साइड इज विजिबल टू द मून। ओके, इस पे क्वेश्चन आया है, यूपीएससी भी आया है, पीसीएस में आया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, आगे देख लो, एक फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये बंदा कौन था? ये मून पे जाने वाला पहला बंदा था। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू गो ऑन मून, किस ईयर में? 1969 में। ये चीज आपको याद रखनी है, जीके का फैक्ट है। सैटेलाइट क्या होती है? जो भी किसी प्लेनेट के किनारे चक्कर काटती है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। स्पेलिंग याद कर लो और इसकी डेफिनेशन याद कर लो। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। तो हमने देख लिया कि मून जो है अर्थ किनारे 27 घंटे, 27 दिन में चक्कर काटता है, और अपने धुरी पे 27 दिन में ही क्या करता है? स्पिन करता है या रोटेट करता है। दो टर्म आते हैं, एक होता है रोटेट, एक होता है रिवॉल्व। ठीक है, तो रिवॉल्व किसी किस
किसी चीज के किनारे करते हैं, रोटेट अपने अपने आप में करता है, अपने धुरी पे, अपने एक्सेस पे, इसको रोटेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है, अगर हम मतलब ह्यूमंस, हम लोग अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना के अर्थ किनारे उसको घुमा दें, ऐसे घूमने लगे अर्थ किनारे, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ किनारे घूमने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो अभी जैसे हम लोग देखे ना, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो वो सब क्या होता है, इसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से हम लोग मोबाइल या टीवी चला पाते हैं। ठीक है, अब देखो मून पे क्या है, मून पे माउंटेन्स, प्लेन्स और डिप्रेशन है। माउंटेन जानते हो आप, पहाड़। प्लेन क्या होता है, समतल जमीन, पठार। ठीक है, डिप्रेशन क्या होता है, गड्ढे। ठीक है, तो जैसे ये है, एक मिनट, तो देखो ये क्या है, ऐसे ऐसे अगर कुछ है तो ये पहाड़ हो गया, ये क्या हो गया, ये प्लेन हो गया, और ये गड्ढा हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो है डिप्रेशन है। ओके, दिस इज डिप्रेशन, और ये वाला ऐसे जो होता है सीधा सीधा प्लेन हो गया, और ये जो है माउंटेन हो गया। ठीक है, इस तरह से जैसे मतलब धरती पे है ना माउंटेन्स, प्लेन्स और डिप्रेशन, वैसे ही मून पे भी ये सब चीजें हैं। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ धरती पे ही है। ओके, तो चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। अब चूंकि पहाड़ है, जैसे पहाड़ है पेड़ गोड़ के परछाइयां बनती हैं, तो वैसे ही इन पे जो पहाड़ है उनकी वजह से क्या होता है, शेडो क्या होता है, परछाई। ठीक है, ये तो आपको सभी को पता होगा, शेडो इज परछाई। ओके, तो मून सरफेस पे परछाइयां है, फुल मून, चलो ये सब आप करके देख लेना, फुल मून जब पड़ेगा तो उसकी शेडो देखना। ठीक है, अब वैसे तो नेकेड आई से देखना मुश्किल होगा, तो दूरबीन लगा सकते हो आप। चलो अगला टॉपिक, दो टॉपिक और बचे हैं, क्या, एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड्स। एस्टेरॉयड क्या होता है, दीज आर टाइनी बॉडी, टाइनी मतलब छोटा, काफी छोटा, तो टाइनी बॉडीज होते हैं जो कि मूव अराउंड करते हैं सन के, तो ये भी सन के किनारे क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं, ये हमारा सन है, उसके किनारे एस्टेरॉयड्स भी चक्कर काटते हैं, ये इनको एस्टेरॉयड्स मान लो। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, अभी हम लोग जब सोलर सिस्टम वाला इमेज देख रहे थे फोटो, तो वहां पे मैंने बताया था जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉयड्स की बेल्ट है। ठीक है, ऐसे मोटी सी, तो वहां पे एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं। ठीक है, एस्टेरॉयड्स आर पार्ट ऑफ द प्लेनेट, ये किसी पहले क्या था, किसी प्लेनेट के पार्ट थे, लेकिन फिर टूट के अलग हो गए। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या है, छोटे छोटे बॉडीज हैं जो कि फ्लोट कर रहे हैं जुपिटर और मार्स के बीच में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, मेटेरॉइड्स। अब अगला टॉपिक क्या है, मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, तो देखो मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, याद रखना, किससे, ये रॉक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। ठीक है, अब देखो एस्टेरॉइड्स जो है बहुत ही माइनूट रहते हैं, इसलिए उन्हें एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, ये क्या है, ये थोड़ा बड़े होते हैं मेटेरॉइड्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये मेटेरॉइड्स अर्थ के एटमोसफियर में घुस जाते हैं। ठीक है, और जब घुसते हैं तो देखो एटमोसफियर में हवा होती है, और जो बहुत स्पीड से आते हैं तो क्या होता है, इस पर फ्रिक्शन काम करता है, फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण मतलब रगड़, और जब घर्षण, जैसे आप हाथ रगड़ते हो तो गर्म हो जाता है ना, तो वैसे ही जब ये मेटेरॉइड्स गिरते हैं ना, तो हवा से जब ये घिसड़ते हैं तो ये गर्म होके जल जाते हैं। ठीक है, तो अगर पूरी तरह से जल जाएंगे तो धरती पे नहीं पहुंच पाएंगे, और मान लो ये पूरी तरह से नहीं जल पाए, अगर पूरी तरह से नहीं जल पाएंगे तो क्या होगा, ये धरती पे आके गिर पड़ेंगे। तो अगर कोई कोई बड़ा सा मेटेरॉइड आके अर्थ पे गिर गया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जहाँ गिरेगा वहां गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, तो हॉलो, हॉलो मतलब क्या होता है, गड्ढा, गड्ढा, तो वहां पे हॉलो बन जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेटर भी बोलते हैं। आगे पढ़ोगे आप लोग, इस गड्ढे को जो मेटेलॉइड से बनते हैं, मेटेरॉइड से, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेटर, CRATER, क्रेटर। आगे देखो, अब देखो ये, अब हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, गैलेक्सी के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जानते होंगे, सुने होंगे किसके बारे में, मिल्की वे गैलेक्सी, कौन सा, मिल्की वे, एग्जाम्पल, मिल्की वे इज अ गैलेक्सी जिसमें हमारी अर्थ या हमारा सोलर सिस्टम है, मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, और उस सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ है। ठीक है, ये चीज याद रखना है, सबसे पहले सबसे बड़ा क्या है,
देखो सबसे बड़ा है हमारा यूनिवर्स, इसको याद करना है, सबसे बड़ा है यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या है, ढेर सारी गैलेक्सीज हैं। यूनिवर्स में क्या है, ढेर सारी गैलेक्सीज हैं, और उन गैलेक्सीज में क्या होते हैं, उन गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी है मिल्की वे। उन ढेर सारी गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे, और इस मिल्की वे में ढेर सारे क्या है, सोलर सिस्टम्स हैं। क्या है, ढेर सारे सोलर सिस्टम्स हैं, और उस सोलर सिस्टम में क्या है, हमारा सोलर सिस्टम है जिसपे क्या है, हमारे ये अर्थ है। ठीक है, तो ये है हमारा पोजिशन, हम अर्थ पे हैं। अब हम अर्थ में क्या होता है, किसी कंट्री में होंगे, इस अर्थ पे हम किसी कंट्री में होंगे, फिर किसी स्टेट में होंगे, फिर किसी जिले में होंगे, किसी डिस्ट्रिक्ट में होंगे। ठीक है, तो हमारी जो लोकेशन है बहुत छोटी सी बिद्दी सी है। ठीक, तो ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं, हमारी औकात क्या है, कुछ भी नहीं, तुच्छ हो गए हम लोग। ठीक है, तो देखो मिल्की वे क्या है, अब चलो पढ़ लेते हैं। जब भी हम आकाश में देखेंगे क्या होगा, हमें एक ऐसा उजला उजला सा कुछ दिखेगा। ठीक है, व्हाइट ग्लोइंग पाथ, व्हाइट मतलब सफेद, ग्लोइंग मतलब जलता हुआ या चमकता हुआ, ग्लोइंग मतलब क्या होता है, चमकता हुआ, पाथ मतलब रास्ता, तो ऐसा कुछ दिखेगा। अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट, जिस दिन एकदम स्टार एकदम क्लियर दिख रहे हैं उस दिन देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है, झुंड। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, क्लस्टर, झुंड मतलब ढेर सारे तारों का समूह। ठीक है, ग्लोइंग पाथ, तो जब आप एक क्लियर नाइट में देखोगे, जब तारे एकदम साफ दिख रहे हैं, तो आपको क्या दिख सकता है, एक ऐसा रास्ता दिखेगा जहां पर ढेर सारे तारे चिमचम टमटम जो सॉरी टिमटिम आ रहे होंगे। ठीक है, ढेर सारे तारे टिमटिमाते हुए दिखेंगे। ओके, तो दिस बैंड इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये जो इस तरह से चमकता हुआ रास्ता जैसा कुछ दिख रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। तो अब गैलेक्सी क्या होती है, बिलियंस ऑफ स्टार्स का कलेक्शन है। गैलेक्सी क्या होती है, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस। तो 1 बिलियन में, देखो मैंने बताया था ना, 1 मिलियन में, ठीक है याद कर लो, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख स्टार। ठीक है, और 1 बिलियन में कितने मिलियन, 1,000 मिलियन। ठीक है, 1 बिलियन में 1,000 मिलियन। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 1 बिलियन में कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लो, मतलब बहुत ही ज्यादा नंबर होगा। ओके, अगर आपने वो पढ़ा होगा नोटेशन, तो 1 बिलियन में 10^6 होता है, और 1 मिलियन में 10^9 होता है। ओके, तो एक गैलेक्सी में इतने सारे स्टार्स होते हैं। ठीक है, और देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। ठीक है, अब देखो यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और हर एक गैलेक्सी में 10^9 स्टार्स हैं, और हर एक स्टार के आसपास कोई ना कोई सोलर सिस्टम होगा। ठीक है, तो अब सोचो कितना बड़ी है हमारी यूनिवर्स, कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। ठीक है, तो अभी साइंटिस्ट लोग खोजबीन में लगे हुए हैं, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। ठीक है, तो दिस इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, मतलब कठिन है कल्पना करना। इमेजिन मतलब क्या होता है, कल्पना। ठीक है, कल्पना करना कठिन है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, हाउ बिग इट इज। ये बहुत कठिन है कल्पना करना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो साइंटिस्ट लोग अभी लगे पड़े हैं ये पता करने में। ठीक है, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द साइज, सर्टेन मतलब हम लोग श्योर नहीं है कि कितना बड़ा है साइज इसका। ठीक है, और हम लोग, हम और आप सब इसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये खत्म हो गया हमारा चैप्टर। अब देखो इसको आप लोग नोट्स बना लेना पढ़ के, हमने लगभग जितने कॉन्सेप्ट से बहुत ही आसान से बहुत आराम से उनको पढ़ाई की है। अब देखो इसकी एक्सरसाइज बची हुई है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप लोग क्या करो, इसकी नोट्स बना लो, और फिर अगला लेक्चर हम जल्दी ही कल परसों में अपलोड करेंगे, उसको देख के फिर उसको पढ़ डालना। ठीक है, और जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, एसएससी और सीजीएल वाले, बैंकिंग वाले, ये सब एस्पायरेंट्स, इसकी आप जल्दी से मन किया तो 1.5x पे लगा के इसको देख लो, और जल्दी जल्दी खत्म करके नोट्स बना लो। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।